Hello friends, welcome back to my channel. So today's video on how to control your LFT and how to make your liver healthy. आप अपने लीवर को किस तरीके से हेल्दी बना सकते हैं और अपने LFT को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसी के ऊपर है. ये दोनों ही टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, कोऑर्डिनेटेड है. इसमें अगर आप देखेंगे, आप एल्कोहलिक हैं या आप बहुत ही फैटी या कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें खा रहे हैं, सिर्फ इसी का मतलब ये नहीं है कि आपके लीवर को प्रॉब्लम है या आपका लीवर में डैमेज या इन्फ्लामेशन हो सकता है जस्ट बिकॉज कि आप अल्कोहल ले रहे हैं या फैटी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ले रहे हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपके लीवर पे असर हो सकता है. जैसे कि नॉर्मली आज के टाइम में जो सेल्फ मेडिकेशन है, बिना किसी डॉक्टर कंसल्टेंसी के आप दवाइयाँ लेते हैं, वो दवाइयाँ भी आपके लीवर पे इफ़ेक्ट करती हैं. जैसे गैस्ट्राइटिस की दवाइयाँ हैं, आप बिना कंसल्टेशन भी ले लेते हैं उनको और इतना फ्रिक्वेंटली अपने रूटीन में लेते हैं कि धीरे धीरे उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपके लीवर पे आ सकते हैं. ऐसे ही हाइपरटेंसिव लोसार्टन जो मेडिसिन है वो भी लीवर पे इफ़ेक्ट करती है. टीबी की जितनी भी दवाइयां हैं वो लीवर पे अफेक्ट करती हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ने टीबी में अलग से डाइट के लिए पेशेंट को कंपनसेशन दिया है ताकि वो अपनी डाइट अच्छा रखे और ये मेडिसिन जो टीबी की है उनका साइड इफ़ेक्ट उनको कम हो. ऐसे ही कई एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स हैं और अदर ड्रग्स हैं, जैसे प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स भी आपके लीवर पे असर कर सकती है. लेकिन आप सेल्फ मेडिकेशन इतना करने लग गए हैं कि आप डॉक्टर कंसल्टेंसी करते नहीं हैं और अपने आप ही मेडिसिन लेते हैं और इतना फ्रिक्वेंटली उसे लेते रहते हैं कि वो आपके लीवर को भी डैमेज करने के चांसेस रखती है. इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप अपने लीवर को किस तरीके से हेल्दी कर सकते हैं और अपना जो लीवर फंक्शन टेस्ट होते हैं SGOT, PT और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, बिलरुबिन वगैरह, वो किस तरीके से कंट्रोल हो सकते हैं, नॉर्मल हो सकते हैं. ये सभी LFT का रेज इंडिकेशन होता है कि आपको लीवर को डैमेज है, इन्फ्लामेशन है. नोजिया, वॉमिटिंग, पेन एब्डोमन भी आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर सकता है आपके लीवर की ओर. गॉल ब्लैडर स्टोन में भी LFT रेज हो जाता है और उसी की वजह से आपके नोजिया वॉमिटिंग होता है. तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपका लीवर जो है वो हेल्दी रहे, उसके लिए आप बोलेंगे हम लीवर डिटॉक्सिफिकेशन और लीवर क्लीनिंग. ये कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला जो मैं लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट. हर बार आपको बोलती हूँ पानी. पानी एक बहुत ही अच्छा रिच सोर्स है डिटॉक्सिफिकेशन का और ये ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, समटाइम्स विदाउट एनी पे. तो पानी आप पीते रहिए, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए. पानी हमारी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सभी टॉक्सिन्स को निकालने में हेल्प करता है थ्रू यूरिन. तो आपको पानी पीते रहना है 8 से 10 ग्लास. और सेकंड आप क्या कर सकते हैं, जो अगर आप अल्कोहलिक हैं और आपकी लीवर डैमेज है तो आपको अल्कोहल बिल्कुल स्टॉप करना है. और अगर आप ड्रिंकर हैं, आपकी लीवर में अभी तक कोई इतना इफेक्ट नहीं आया है, तो यू शुड लिमिट योर ड्रिंक्स. 30 ml से ज़्यादा आपको ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए. कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें आपको बिल्कुल स्टॉप कर देनी है अगर आपके लीवर पे इफेक्ट है, आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है या फिर आपका कोई प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ है जिसमें आपकी ये दवाइयाँ चल रही है, जैसे हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की चलती है, तो उन्हें भी ये स्टॉप कर देनी चाहिए. और आप उनका लिमिट कर सकते हैं. और गुड फैट्स जैसे आलमंड में होता है, वॉलनट में होता है, एवोकाडो में होता है, तो गुड फैट्स वाली चीज़ें लें. और क्या कर सकते हैं आप? एक्सरसाइज, क्योंकि वेट गेन बहुत से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स
बहुत से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो ओवरऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कंसीडर होता है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रीज़न ही वेट गेन होता है। आप अपना वेट कंट्रोल कीजिए थ्रू एक्सरसाइज और उसमें भी वॉक करके। वॉक सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, आप वॉक कीजिए, आपका वेट कंट्रोल होगा, आपका जो एक्सेस फैट है वो बिल्कुल ही खत्म होगा। नॉर्मली जो आपका LFT रेज आता है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो विद इन अ 2 to 4 weeks के अंदर आपकी रेंजेस नॉर्मल हो जाती है। बट अगर नहीं हो रही है तो आप ज़रूर डॉक्टर कंसल्टेंसी करिए। आपको डॉक्टर कंसल्टेंसी के बिना कुछ भी ऐसा नहीं लेना चाहिए। जैसे कीमोथेरेपी, जो कीमोथेरेपी में पेशेंट्स हैं, कैंसर पेशेंट्स या रूमेटॉइड अर्थराइटिस में जिनको मेथोट्रेक्सेट कीमोथेरेपी चलती है, उन पेशेंट्स का भी LFT रेज्ड हो जाता है ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ दीज मेडिसिंस। बट 2 से 3 गुना अगर बढ़ा हुआ है अपर लोअर लिमिट देन इट इज़ बी ओके, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो देन यू नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही के साथ आपको होम्योपैथिक मेडिसिंस में बहुत ही अच्छी मेडिसिंस मिलेगी जो आपके LFT को कंट्रोल करती है, आपकी लीवर को नॉर्मल करती है और उसे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, कोई भी डैमेज नहीं होता है और आपके लीवर को हेल्दी और आपके LFT को नॉर्मल करने में हेल्पफुल है। बहुत सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिंस है और ये मेडिसिंस मोस्टली अगर पानी में दी जाती है दैट विल गुड फॉर योर बॉडी एंड गुड फॉर योर लीवर टू। और इसमें जैसे होम्योपैथिक मेडिसिन भी एल्कोहल बेसिस होता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एल्कोहल होता है दैट विल नॉट गोइंग टू डैमेज योर लीवर। सो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं अगर आपका LFT रेज्ड है या आपको लीवर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, गॉल ब्लड स्टोन है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल ID नीचे डिस्प्ले है। आप चाहें तो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके वहाँ से भी मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी अबाउट में है और आप वहाँ जाके भी मेरे मेल ID और मेरे व्हाट्सअप नंबर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे लाइक करके बताइएगा, और मेरा वीडियो अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है, इंफॉर्मेटिव है, तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट अगर आपको लीवर से रिलेटेड या किसी भी अदर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आगे मेरे से कुछ जानकारी चाहिए तो उसके रिगार्डिंग भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के रिलेटेड भी अगर आपके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे जो चैनल है डॉक्टर इंदिरा ऑन ड्यूटी उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो बेल आइकन बटन है उसे तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें। आप बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।